नेक्स्ट टॉपिक वहाँ काम आएगा जहाँ पर हमने कोई बॉडी का एक पोर्शन काट दिया और फेंक दिया और हमने सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालनी है बचे पोर्शन की क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक डिस्क है, आज के बाद अगर कोई शीट है, डिस्क है जिसकी कोई थिकनेस नहीं है एंड मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, यानी कि बॉडी 2D है, 3D नहीं है, जैसे सॉलिड फिर 3D बॉडी है, इसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में मास है, तो अगर आपके पास सिर्फ 2D बॉडी है जिस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है उस बॉडी को 2D बॉडी को लैमिना बोलते हैं। तो आज के बाद हम इस वर्ड को बहुत कॉमनली यूज़ करेंगे, लैमिना, कंसिडर लैमिना। लैमिना का मतलब एक शीट, ठीक। तो इसके अंदर एक लैमिना है, एक डिस्क की फॉर्म में लैमिना है, एक डिस्क है, एक डिस्क में से आपने छोटे डिस्क को काट दिया या होल कर दिया पूरा आपने, और इस पोर्शन को काट के आपने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ वाले पोर्शन में मास पहले भी था और उल्टा ये वाला मास भी और ऐड हो गया, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा राइट शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपने इसको काटा, मास को निकाल के इस पर रख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी भी मास था उसके ऊपर फिर मास रख दिया, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी, कहाँ शिफ्ट हुआ ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन का वैसे तरीका तो लंबा है, हम एक छोटा तरीका फॉर्मुलेट करेंगे। आप फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर सकते हो, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसका ये कॉमन फॉर्मूला सबको मालूम है, आर वेक्टर का फॉर्मूला सबको मालूम है। जो मास होता है उसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, मान लो वॉल्यूम है और डेंसिटी रो है, ऐसी एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम है, डेंसिटी रो है, रो और टी कैंसल हो गया। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं, A1 R1 वेक्टर, A2 R2 वेक्टर, A3 R3 वेक्टर अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। मतलब सेंटर ऑफ मास एरिया की फॉर्म में अगर लिखना हो तो ऐसे मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई करके एरिया की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। आपने क्या करना है, आपने ये नोट करना है, अगर आपका कोई मास रिमूव किया जाता है फ्रॉम अ बॉडी, एक बॉडी में से कोई मास को अगर हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, तो नया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला नोट करेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि मास अब बराबर तो रहेगा नहीं। मान लो M2 मास आपने हटा दिया तो M1 में से M2 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो आपने ये फॉर्मूला नोट करना है, इसको यूज़ कैसे करना भी बताता हूँ। M1 R1 वेक्टर माइनस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 माइनस M2, या A1 R1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर R2 वेक्टर A1 माइनस A2 से नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में। ऐसे ही M1 X1 M2 X2 माइनस करना पड़ेगा। ये यूज़ कैसे करने हैं सारे फॉर्मूलाज दो मिनट में बताता हूँ, आप प्लीज़ पहले इन्हें नोट कर लें अपने फॉर्मूला रजिस्टर में। और ये फॉर्मूला तब कहाँ लगेगा, जहाँ पर एक पोर्शन में से दूसरे पोर्शन को काट के फेंका जाएगा। अभी लगा के दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है, ये भी बताता हूँ इसके अंदर A1 क्या है, A2 क्या है। A1 का मतलब कंप्लीट बॉडी का एरिया है, A2 का मतलब कटी हुई बॉडी का एरिया है जिसको हमने काट के फेंका है। अभी लगा के दिखाऊंगा, आप प्लीज़ एक बार इसे नोट कर लें, फिर एक बार लगाते हैं इसे और इसे एग्जांपल में लगा के ट्राई करते हैं। पर लगाना सीखते हैं।
कैसे लगेगा ये फॉर्मूला, आपके बुकलेट में लिखा हुआ है वहीं से आप नोट कर लें चाहे तो। देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आता है कि अगर आपके पास ये एक डिस्क है, डिस्क में से आप इस पोर्शन ऑफ डिस्क को काट दें और बाहर फेंक दें, अब सोचे क्या हो। अगर आपके पास ये एक डिस्क है और डिस्क में से आप एक डिस्क काट के फेंक दें तो आपका जो मास है वो आपको यहाँ कहीं दिखेगा, मास यहाँ, बस इसमें तो मास है ही नहीं, मास आपका यहाँ कहीं दिखेगा। तो आपको बताना है पहले सेंटर ऑफ मास, जब मैंने कुछ भी नहीं काटा था तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, इसके सेंटर पे था। जब मैंने कैविटी कर दी, इसको काट दिया, ये खाली हो गया, अब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि ज़्यादातर मास आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसलिए। तो कहाँ शिफ्ट हुआ ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास काटने के बाद कहाँ शिफ्ट हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ तक। तो एक काम करना है, मैंने आपको क्या तरीका बताया था वही, अगर किसी पोर्शन को काट के फेंकना हो तो सबसे पहले आप निकालें, आप इमेजिन करें कि आपका ये वाला पोर्शन कहीं कटा नहीं हुआ, पूरी की पूरी डिस्क है, आप इमेजिन करें कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट डिस्क है। इसका एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर, तो इसका एरिया है ए, इसका एरिया ए है, रेडियस ए है, तो इसका पूरा एरिया बिना काटे कितना है, पाई ए स्क्वायर है। फिर सेकेंड एरिया ए टू क्या लेना है, जिस डिस्क को काट के फेंका, जिस डिस्क को काट के फेंका बस उसका एरिया, तो उसका रेडियस क्या है, ए बाई टू, तो एरिया क्या बनेगा, पाई इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो एक एरिया आपने पूरा लेना है, एक एरिया आपने कटी हुई डिस्क का लेना है, ए वन ए टू आ गया, दो पोर्शंस हैं। फिर आपने कोऑर्डिनेट लेना है, जब पूरी डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, यहाँ पर था, जो कटी हुई डिस्क है उसका मीन, अगर कंप्लीट डिस्क है जिसका एरिया पाई ए स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था मान लो 0.0, तो 0.0 एक्स वन वाई वन है इसमें। लेकिन जो डिस्क आपने काट के फेंक दी उसका सेंटर यहाँ पर है, और ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, अगर ये 0.0 था तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ए बाई टू कॉमा जीरो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ए बाई टू कॉमा जीरो। तो एक आपने कोऑर्डिनेट लिया पूरी डिस्क का, एक कोऑर्डिनेट लिया आपने कटी हुई डिस्क का, एक एरिया ए वन लिया आपने पूरी डिस्क का, एक एरिया ए टू लिया आपने कटी हुई डिस्क का, आंसर आ गया एम वन एक्स वन माइनस एम ए सॉरी ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू बाई ए वन माइनस ए टू। ये पूरी डिस्क का एरिया है जिसका कोऑर्डिनेट जीरो है, ये कटी हुई डिस्क का एरिया है जिसका कोऑर्डिनेट ए बाई टू है, पूरी डिस्क के एरिया में से कटी हुई डिस्क का एरिया माइनस माइनस ए बाई सिक्स, माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ चला गया सेंटर ऑफ मास बाई डिस्टेंस ऑफ ए बाई सिक्स, आंसर। बहुत सही फॉर्मूला है, एक सेकंड में आंसर आता है इसमें से, कुछ करना ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्या ये बात समझ में आ रही है कैसे यूज करना है। नॉर्मली आपके पी वाई क्यूज के अंदर आप देखेंगे वो कुछ नहीं करेगा, वो ये शेप चेंज करता रहेगा, कभी वो कहेगा स्क्वायर काट के फेंक दिया, कभी कोई और फिगर काट के फेंक दी, कोई ट्राइंगल काट के फेंक दिया, कुछ भी काट काट के फेंकता रहेगा जिसका एरिया आपको मालूम होगा और जिसका सेंटर आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद तो यही फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ए वन का मतलब पूरी डिस्क का एरिया है, ए टू का मतलब सिर्फ इसका एरिया है, ए वन का एक्स वन कॉमा वाई वन इसका कोऑर्डिनेट है 0.0, एक्स टू वाई टू वाई टू इसका कोऑर्डिनेट है ए वाई टू कॉमा जीरो। तो फिर पुट कर दे इसमें आंसर, ए वन पता है बड़ा डिस्क का एरिया, छोटे डिस्क का एरिया, बड़े डिस्क का कोऑर्डिनेट, छोटे डिस्क का कोऑर्डिनेट, आंसर। जैसे आपको क्वेश्चन में ये ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये गिवन था ये वाला, जिसके अंदर एक कंप्लीट डिस्क थी, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, इस डिस्क को काट दिया, फेंका नहीं, उस मास को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, अब सेंटर ऑफ मास का क्या होगा। तो हाँ, अब क्या करना है, इसका मास सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मास प्लस कर देना, देखो माइनस करके ऐड भी करना पड़ेगा, कैसे, आप एक काम करें, पूरे डिस्क का मास कितना है, एम है, मान लो पूरी डिस्क का मास कैपिटल एम है, तो अगर पूरी डिस्क का मास एम है तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है मास की, डिस्क के ऊपर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एरिया वाइज, तो अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो मास एम है, वन है तो एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर है, और अगर ये छोटे डिस्क है, कोई भी डिस्क ले लो, इसका डिस्क ये ले लो, इसका एरिया कितना है, पाई इंटू आर बाई टू का स्क्वायर, तो मास क्या आएगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर बाई टू का होल
स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, m बाई फोर। आज के बाद ये करना जरूरी नहीं है, आज के बाद हमने कर लिया था मास अपॉन एरिया लास्ट टाइम, सिग्मा। आप पूरे डिस्क का सिग्मा निकाल लिया करो, दैट इज मास बाय एरिया। सिग्मा को एरिया से, इस डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा। तो मास की वैल्यू आ गई, कटी हुई डिस्क की m बाई फोर है, पूरे डिस्क का मास m है, कटी हुई डिस्क का मास m बाई फोर है। पूरे डिस्क का सेंटर कहाँ पर है, 0.0। कटी हुई डिस्क का सेंटर कहाँ है, माइनस, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस r है, तो आधा कितना है, r बाई टू, माइनस r बाई टू कॉमा जीरो, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, r बाई टू कॉमा जीरो। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अब एक काम करो, फॉर्मूला लगाओ, r रहने दो, m1 x1 m2 x2 ले लो, एक ही बात है। यहाँ से देखो, सबसे पहले कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क का मास क्या है, m, और उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। जो डिस्क काट के फेंक दी उसका मास क्या है, m बाई फोर, तो नेगेटिव लगाना है, काट के फेंक रहे सिस्टम में से, माइनस m बाई फोर, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस r बाई टू, m बाई फोर माइनस r बाई टू। फिर उसी डिस्क के मास को यहाँ रख दिया, रखने का मतलब m बाई फोर रख दिया, प्लस करना है अब आपने, माइनस नहीं करना, और कहाँ रख दिया, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, r बाई टू पर रख दिया, और डिनोमिनेटर में टोटल मास में से m बाई फोर हटाया, फिर m बाई फोर रख दिया, तो टोटल सेम ही रह गया मास, आंसर, और y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि जब कोई चीज़ बीच में से काट के फेंकनी है या कहाँ रखना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आज के बाद, ठीक है? वो फिगर चेंज करता रहेगा, मैंने आपको बता दिया, आप अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करते रहना यही वाला। तो कैसे करेंगे, असाइनमेंट के अंदर दो चार क्वेश्चन डाले हुए हैं, जब असाइनमेंट करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?